तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक आई पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो के सेक्टर 1 में जाने के बाद क्या होता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो अभी भी उसी गैलरी में होता है और आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो डाई, मुझसे छुपना बंद करो मिस्टर फाइनल एम्परर। वेजिटो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके ऑरा की वजह से हर तरफ डिस्ट्रक्शन मची होती है। वेजिटो इतनी स्पीड में होता है कि वो सिर्फ एक रोशनी की तरह दिख रहा होता है। वेजिटो काफ़ी देरी से उड़ रहा होता है पर वो अभी तक भी इस गैलरी से बाहर नहीं निकल पाया होता और उसका गुस्सा बढ़ने लग जाता है। वो चिल्लाता है कि आखिर इसका क्या मतलब है, ये बहुत हो गया, ये फालतू के खेल बहुत हो गई। अगर तुम मेरे सामने खुद नहीं आने वाले डाई तो मुझे बस तुम्हें फोर्स करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से ही बीच में रुक जाता है। वेजिटो के चेहरे पे एकदम से काफ़ी इवन स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। हम देखते हैं कि वेजिटो अपने दोनों हाथों को उठाता है और उसमें अटैक बनाने वाला होता है। वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जगह कितनी बड़ी है या फिर नहीं है, पर अगर तुम मेरे पास सीधे तरीके से नहीं आने वाले हो तो मैं इस जगह को तबाह करके दूसरे डायमेंशन में पहुँचा दूंगा। अब आगे जो भी होगा वह तुम्हारी मर्जी होगी डाई। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी बात को पूरा करने के लिए अपने हाथ में एक बहुत ही ताकतवर अटैक चार्ज करने लग जाता है। ये वेजिटो का बस आम अटैक है और उसके पावर लेवल को देखते हुए ये अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। वेजिटो कुछ सेकंड इंतज़ार करता है और इसके बाद वो बोलता है कि डाई, तुम अभी तक मुझे नहीं दिखे हो। ऐसा लगता है जैसे वेजिटो डाई या फिर किसी और को आने का समय दे रहा था। पर काफ़ी देर तक किसी के भी ना दिखने के बाद वो काउंटडाउन शुरू करता है, 3, 2, 1, अब ये लो। हाँ, जैसे ही वेजिटो अपना अटैक शूट करने वाला होता है उसके चारों तरफ अचानक से ही अंधेरा छा जाता है। वेजिटो के चारों तरफ जो गैलरी थी वो अचानक से ही गायब हो जाती है और वेजिटो किसी तरीके के डार्क डायमेंशन में पहुंच जाता है। वेजिटो एकदम से चौंक कर बोलता है, क्या ये आखिर क्या हुआ। अगले ही पल में वेजिटो कहीं और पे पहुंच जाता है। वो बोलता है, क्या अब मैं कहां पर आ गया। अब वेजिटो किसी तरीके के ब्लैक डेजर्ट में आ गया होता है जिसका आसमान ऑरेंज रंग का होता है। ये बात क्लियर होती है कि इस जगह पर अनगिनत बैटल्स हुई हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हर जगह पर वॉरियर्स की तलवारें गड़ी हुई हैं। अपने आसपास देखने के बाद वेजिटो बोलता है कि लगता है तुमने मेरी बात सुन ली थी डाई। किसी वजह से वेजिटो को विश्वास है कि अगला डीमन एम्परर डाई ही है और वो अभी भी अपने आसपास डाई को ही ढूंढ रहा होता है। वो बोलता है, क्या हुआ, अब तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, मुझे इस जगह पे भी इंतज़ार कराने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तुम्हें पता है कि मैं इस जगह को भी धमाके से उड़ा सकता हूँ। पर जैसे ही वेजिटो ये बोलता है 5 क्लिक्स की आवाज़ें आती हैं। हम देखते हैं कि कुछ ही दूरी पे 5 वॉरियर्स 5 अलग अलग तलवारें उठाते हैं। वेजिटो ये चीज़ नोटिस करता है और बोलता है, चलो आखिरकार कोई तो आया, शायद मुझे गलत लग रहा था कि डाई यहाँ पर होगा। वेजिटो के चेहरे पे हल्का सा पसीना भी आ गया होता है क्योंकि वो जानता है कि अब उसके सामने काफ़ी सारे वॉरियर्स हैं। वेजिटो थोड़ा सा सावधान हो जाता है और अपनी बहुत ही खतरनाक अगली बैटल के लिए तैयार होने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो के सामने 5 ऐसे वॉरियर्स खड़े होते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा और इन सभी वॉरियर्स के पास अपनी अपनी तलवारें होती हैं। इन 5ों ही वॉरियर्स ने सेम तरीके के आर्मर को पहना हुआ होता है। इसके बाद हम लोग एक एक करके इन सभी वॉरियर्स को देखते हैं। इन सभी में सिर्फ एक सिमिलैरिटी होती है कि इन सभी के बाल वाइट रंग के होते हैं और इनकी आंखें बहुत ही हल्के नीले रंग की होती हैं और इस तरीके की आंखें हम ड्रैगन बॉल में ऑलरेडी किसी और स्पीशीज में देख चुके हैं। वेजिटो भी इन वॉरियर्स को देख के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है, अरे एक सेकेंड रुको, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेजिटो को अपने सामने खड़े वॉरियर्स में कुछ बहुत ज़्यादा जाना पहचाना महसूस होता है। वो बोलता है कि मैंने वैसे तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा, पर तुम्हारी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी लग रही हैं। मैंने इस तरीके की एनर्जीज़ को पहले भी महसूस किया है, पर मुझे इस बात का विश्वास है कि मैंने वो डीमन रेल में नहीं किया। मुझे बताओ, क्या तुम एंजल्स हो। ये बोलते ही वेजिटो के चेहरे पर एक बहुत ज़्यादा ईवल लुक आ जाता है और वेजिटो एकदम से ही अपने रेड सेरेफिम में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन 5ों वॉरियर्स में से एक वॉरियर बोलता है, तुम सही हो सेक्टर 2 के डीमन एम्परर, लगता है तुम्हारी बैटल इंटेलिजेंस के बारे में जो भी कहानियां सुनी हैं वो सारी सच हैं। वेजिटो को अपने सामने खड़े वॉरियर्स के बारे में जो कुछ भी लग रहा था वो पूरी बात सच निकली। तभी हम देखते हैं कि दूसरा वॉरियर बोलना शुरू करता है, ये बात सही है कि हम भी एंजल्स ही हैं,
पर हम उस तरीके के एंजल्स नहीं हैं जिस तरीके के एंजल्स को तुमने देखा है। छोटे वीस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो वो सब कुछ भूल जाना। हम लोग सबसे हाईएस्ट ग्रेड के एंजल्स हैं। हमें सभी एंजल्स के क्रिएटर ने समय निकाल कर बनाया है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि तो तुम्हें एंजल्स के क्रिएटर ने बनाया है, वैसे मैं जानता हूँ कि वो शख्स कौन है। देखकर अच्छा लगा कि उसके पास और भी बच्चे थे, वो बूढ़ो। लगता है तुम लोगों से निपटने के बाद ही मैं डाई से मिल पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि एक तीसरा एंजल वेजिटो को बीच में ही रोकता है और बोलता है कि बातें बहुत हो गई। ये तीसरा एंजल अपनी तलवार को ज़मीन पर घसीटता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है, भाइयों हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं कि हम इस बेवकूफ़ को अपने सेक्टर की हवा ख़राब करने दें। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम इसे ख़त्म कर सकें। इसके बाद ये वॉरियर अपनी तलवार को अपने कंधे पर रखकर बोलता है कि हमें इसका सर चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। समझ गए ना भाइयों? ये वॉरियर वेजिटो से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो के चेहरे पर स्माइल होती है। लगता है तुम में तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, तुम चाहे जो भी हो। लगता है तुम्हारे अंदर उन एंजल से ज़्यादा मर्दानगी है जिन्हें मैं जानता था, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। वेजिटो एक सैयन होने के नाते सिर्फ बैटल के लिए एक्साइटेड हो रहा होता है। वेजिटो तभी हंसता है और बोलता है कि मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? हम देखते हैं कि वेजिटो के माथे पे एकदम से ही तीसरी आंख आ जाती है, बिल्कुल काजुया मिशिमा की तरह। वेजिटो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि तीसरा एंजल एकदम से वेजिटो पे अटैक कर देता है। वो अपनी तलवार से वेजिटो को काटने के लिए आया होता है और बोलता है, बकवास बंद करो। वेजिटो को शुरुआत में देख के ऐसा लगा था कि वो हल्का सा चौंका है, पर जैसे ही ये वॉरियर अपनी तलवार को स्लैश करता है, हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत ही आराम से इस तलवार को रोक लेता है। वेजिटो ने अपने हाथ और तलवार के बीच में एक एनर्जी बैरियर बना लिया था और इस वजह से वेजिटो को ज़रा सा भी नुकसान नहीं झेलना पड़ता। वेजिटो को ये इतने आराम से करता हुआ देखकर एंजल बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा? ये बात क्लियर हो जाती है कि इन एंजल्स ने वेजिटो को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। वेजिटो इसके बाद हंसते हुए बोलता है कि वैसे काफ़ी समय बीत गया है, मुझे किसी एंजल की आंखों को देखे हुए जिसकी आंखों में डर हो। तुम्हें पता है, इससे मेरी काफ़ी यादें ताज़ा हो गई। तभी वेजिटो चिल्लाता है, मेरी बारी। इतना बोलते ही ऐसा लगता है कि वेजिटो एंजल को किक मार रहा हो, पर हम देखते हैं कि वो एंजल की सिर्फ छाती को छूता है। एंजल भी इस चीज़ से काफ़ी हैरान होता है, पर तभी हम देखते हैं कि सिर्फ वेजिटो के छूने भर से ही एंजल पीछे की तरफ जाके बहुत तेज़ी से गिरने लग जाता है। अब वेजिटो बाकी सभी एंजल्स के साथ लड़ने के लिए भी तैयार होता है। वेजिटो बहुत ही आराम से ज़मीन पर लैंड करता है। वो बोलता है कि वैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल किए हुए भी मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया था, तुम पांचों मेरे लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस रहोगी, मैं अपने कुछ पुराने टेक्निक्स को ट्राई करना चाहता था। तभी वेजिटो सामने की तरफ जंप मारता है। तभी वेजिटो उस तीसरे एंजल के पास पहुंचता है और उसके पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। हम देखते हैं कि इस एंजल के हाथ में से तलवार भी छूट जाती है। हम देखते हैं कि एंजल की तलवार और वो ज़मीन पर गिर रहे होते हैं, पर वेजिटो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। एंजल की तलवार ज़मीन में धंस जाती है और वो ज़मीन पर गिरता है। हम देखते हैं कि वेजिटो भी इसके बाद ज़मीन पर लैंड करता है। वेजिटो इसके बाद एक स्माइल के साथ अपने पीछे उस एंजल की तरफ देखता है और बोलता है कि लगता है तुम नॉर्मल एंजल्स से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, पर मेरा पावर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं सच में डिफरेंस नहीं बता सकता। तुम लोग फालतू में मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों ना तुम फाइनल एम्परर को मेरे सामने भेज दो, मुझे उसे देखे हुए भी काफ़ी लंबा समय हो गया है। तभी हम देखते हैं कि तीन एंजल्स वेजिटो को दूर से देख रहे होते हैं। तभी तीनों में से एक एंजल ऑर्डर देते हुए बोलता है, लगता है ब्रदर मॉक एक बार फिर से अपने औकात से बाहर लड़ने के लिए चला गया है, हम तीनों को भी अब लड़ाई में उतरना चाहिए, वो हमारे को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत कर चुका है। हम देखते हैं कि उस एंजल के इतना बोलते ही एकदम से तीनों एंजल्स अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। तभी हम एंजल मॉक को फिर से देखते हैं जिसे वेजिटो ने अभी हराया है। वो खड़ा होने लग गया होता है। एंजल मॉक वेजिटो को घूरते हुए बोलता है, ये डिमोनिक क्रीचर, ये बिल्कुल उस गुस्सेल काजुया की तरह है, इसके पास उसी की तरह तीन आँखें भी हैं। तभी हम देखते हैं कि एंजल मॉक एकदम से चौंकता है। इससे पहले कि वो वेजिटो पर अटैक करने की सोच पाता, हम देखते हैं कि वेजिटो उस पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। वेजिटो के हाथ में एक एनर्जी अटैक भी होता है जो कि वो एंजल मॉक पे शूट करने वाला था। वेजिटो अपने अटैक को शूट करते हुए चिल्लाता है, ब्लैक थंडर। पर जैसे ही वेजिटो अपने अटैक को शूट करता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और एंजल आ जाते हैं जो कि उसके अटैक को रोक लेते हैं। दोनों एंजल्स वेजिटो के अटैक पे एकदम से स्लैश करते हैं और वेजिटो का अटैक बेकार हो जाता है। वेजिटो के अटैक की इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है, पर एंजल्स अपने भाई मॉक को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि खुद अपने भाइयों के बीच में आने से हैरान लग रहा होता है। पर लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। वेजिटो के सामने सिर्फ दो एंजल्स थे जिन्होंने उसके अटैक को रोका था, पर तीसरा एंजल वहाँ पर नहीं था।
हम देखते हैं कि वो एंजल वेजिटो पे अटैक करने में कामयाब हो जाता है और वेजिटो को बीच में से काट देता है। वेजिटो बिल्कुल हैरान रह जाता है और हम देखते हैं कि उसका शरीर दो हिस्सों में कट के जमीन पे गिरने लग जाता है। हर तरफ खून और उसके शरीर के हिस्से पड़े हुए होते हैं। तभी हम उस एंजल को देखते हैं जिसने वेजिटो को बीच में से काटा था। हम देखते हैं कि उस एंजल ने अपनी तलवार को एक समुराई की तरह पकड़ा हुआ होता है और उस पर वेजिटो का खून भी लगा हुआ होता है। वेजिटो को बीच में से काटने के बाद वो एंजल जमीन पर लैंड करते हुए बोलता है, बेवकूफ डीमन। ये एंजल अपने भाई मॉक से बोलता है, मॉक तुम्हें अपनी तलवारबाजी पे और ज्यादा काम करना होगा। ये क्रीचर मक्खन से भी ज्यादा नरम था काटने के लिए, आखिर तुम्हें इसके सामने इतनी ज्यादा दिक्कत कैसे आ रही थी। जब ये एंजल अपने भाइयों से बात कर रहा होता है तभी हम वेजिटो को देखते हैं जो कि अपने ही खून में लथपथ जमीन पे पड़ा हुआ होता है। तभी चारों में से एक एंजल बोलता है, तो इसे साफ कौन करेगा। पर जैसे ही एंजल्स आपस में बात कर रहे होते हैं हम देखते हैं कि वेजिटो की बॉडी एकदम से ही पिंक रंग के मटेरियल में बदलने लग जाती है। चारों के चारों एंजल्स वेजिटो की बॉडी को ऐसा करता हुआ देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, क्या। पर जिस एंजल ने वेजिटो को काटा उसे नहीं पता कि उसकी तलवार से जो खून टपक रहा था वो भी पिंक मटेरियल में बदल चुका है और ये पिंक मटेरियल उसी की तरफ बढ़ रहा है। तभी ये पिंक मटेरियल एकदम से छलांग लगाता है और वेजिटो के चेहरे में बदल जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो हंस रहा होता है और उसके मुंह में एक बहुत ही ताकतवर ब्लैक एनर्जी का अटैक बन रहा होता है। एंजल वेजिटो के सर को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसे वेजिटो की इस एबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। एंजल को कुछ भी करने का समय नहीं मिलता। वो चिल्लाता है, नहीं नहीं। पर तभी वेजिटो अपना अटैक शूट कर देता है और हम देखते हैं कि एक डार्क एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अटैक खत्म होने के बाद हर तरफ धुआं छाया हुआ होता है और इसके बाद हम लोग एक हाथ को देखते हैं। तभी हमें एक आंख दिख रही होती है जो कि घबराकर नीचे की तरफ देख रही होती है। एंजल अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है, तुमने मुझे तबाह कर दिया। हम देखते हैं कि वेजिटो के अटैक की वजह से एंजल का एक हाथ और आधी बॉडी तबाह हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो थोड़ी दूरी पर लैंड करता है। वेजिटो पूरी तरीके से रीजनरेट हो चुका होता है और बोलता है कि वो काफ़ी अच्छा सरप्राइज अटैक था। तुम्हारे लिए काफ़ी शर्म की बात है कि तुम रीजनरेट नहीं कर सकते। इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि अब अगला कौन है। वेजिटो ने सेक्टर 1 के एंजल्स को तबाह करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, पर उसकी लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी और क्या उसे डाई मिलेगा या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।